हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भदौरिया। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और जावेद अख्तर की वाइफ शबाना आजमी का शनिवार शाम को एक्सीडेंट हुआ था और अभी उनकी हालत में काफ़ी सुधार आ गया है। डॉक्टर्स ने बताया है कि शबाना आजमी की हालत सुधर रही है। जी हाँ, शबाना आजमी का एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन जावेद अख्तर ने भी बताया है कि उनकी हालत सुधर रही है, उनकी हालत में सुधार आ रहा है। जावेद अख्तर ने बताया है कि हालांकि वो अभी आईसीयू में एडमिट हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही हैं। शबाना आजमी बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, इसीलिए हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा हुआ है। शबाना आजमी का हालचाल जानने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने आ रही हैं। राज ठाकरे भी शबाना आजमी का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुँचे और शबाना आजमी का हालचाल लिया। राज ठाकरे के साथ ही बॉलीवुड की भी कई नामी हस्तियां, कई बड़ी बड़ी हस्तियां अस्पताल पहुंची, जैसे कि विकी कौशल भी अस्पताल पहुंचे, रितेश देशमुख, तब्बू, ये सभी सितारे हॉस्पिटल पहुंचे और शबाना आजमी का हालचाल लिया। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। शनिवार शाम को शबाना आजमी की कार मुंबई पुणे हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें एक्ट्रेस घायल हो गई थी, उन्हें काफ़ी चोट आई थी। एक्सीडेंट के बाद कार ड्राइवर अमलेश कामत के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल शबाना आजमी के ड्राइवर पर रैश ड्राइविंग का आरोप है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। शबाना आजमी को देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए कई बॉलीवुड के सितारे उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। शनिवार की शाम को शबाना आजमी हॉस्पिटल में एडमिट हुई और तभी से ही कई बॉलीवुड के सितारे उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। राज ठाकरे भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और साथ ही बॉलीवुड के कई सितारे शबाना आजमी का हालचाल लेने पहुंचे। विकी कौशल, आशुतोष गोएकर, फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधुना भी शबाना आजमी से मिलने पहुंची। विपुल शाह, रितेश देशमुख, छगन भुजबल, तब्बू, राज ठाकरे जैसे कई सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।